नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं कस्तूरबा नगर विधानसभा के एडविंसगंज मंडल में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से सुजाता भाटिया, जिसे हम सीधी बात करेंगे। मैम, पहला आपसे इंट्रोडक्शन है, आपका जो सफ़र जैसे शुरू हुआ भारतीय जनता पार्टी में, लगभग कैसे आपके मन में आया और कब से जुड़ी हैं आप? मैं भारतीय जनता पार्टी से पिछले 30 साल से तो एज ए मेम्बर जुड़ी हूँ, जैसे मेम्बरशिप है मेरे पास, लेकिन जन्म से ही मैं भाजपा परिवार से जुड़ी हूँ क्योंकि मेरे पिताजी आरएसएस में थे, तो वो एक आरएसएस का जज्बा लेके हम भारतीय जनता पार्टी के साथ बचपन से ही जुड़े हुए हैं। तो वो जज्बा हमेशा ही समाज सेवा करने का, देश की सेवा करने का हमेशा से ही रहा। और 30 साल पहले जैसे मैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी की मेम्बर बनी दिल्ली में आके शादी के बाद, तब से मैं विभिन्न विभिन्न पदों पर रह के मैंने काम किया, और अगर मेरे पास कोई पद नहीं भी है तब भी मैंने समाज सेवा और भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ी रही। अच्छा सुजाता जी, जैसे मोदी सरकार के 8 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, क्या देखती हैं आप इन 8 सालों में, क्या बदलाव? मैं अपने हिंदुस्तान को, अपने भारत को जिस तरह से इन 8 सालों में बदलता हुआ मैंने देखा, जो पोजिशन आज हमारे इंडिया की पूरे विश्व में है, इससे पहले मैंने वो चीज़ कभी नहीं देखी। आज हमें, हमारे बच्चों को फ़ख्र है कि हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हम भारत जैसे देश में पैदा हुए हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जो पूरे विश्व में स्थान हासिल किया, आज से पहले उस चीज़ को हमने इस तरह से नहीं देखा। आज पूरे विश्व की 4 बड़ी सुपर पावर में भारत एक पावर बन के रूप में उभर रही है। आज हमारा देश इतना सक्षम है कि हमने 120 दूसरी देशों को इस महामारी के युग में भी कोरोना की वैक्सीनेशन दी और उन लोगों की पूरी सहायता की हर तरह से। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी दुनिया में नंबर 1 पे लोकप्रियता के शिखर पे हैं, तो बहुत ही फ़ख्र महसूस होता है। और आज नेक्स्ट जनरेशन जो हमारी है, आने वाला हमारा यूथ है, वो भी इस चीज़ को फ़ख्र से कहता है कि वो हिंदुस्तानी है। जब हम लोग दूसरे देश में भी जाते हैं तो आज की डेट में जो फ़ख्र से हम कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, वो चीज़ हमें आज मोदी जी के काल में ही फील होती है। और आज जो हमारा डिफेंस मजबूत है, आज के युग में ये है कि कोई भी और कंट्री भारत की तरफ आंख उठाने से डरता है। हमारा इतना मजबूत, हमारी तीनों सेनाएं इतनी स्ट्रांग हैं और इतना मजबूत हैं कि कोई भी देश आप भारत की तरफ आंख उठा के देखने की जरूरत नहीं करता। मैम, दिल्ली में जैसे पोल खोल अभियान की मुहिम चलाई हुई है जी भाजपा ने, क्या इस चीज़ में आपकी कोई भागीदारी अपने वार्ड में? बिल्कुल है जी, दिल्ली की जनता को अब बहुत जगाने की ज़रूरत है। बहुत लूट चुके वो लोग झूठे वादों में आके, अब ये ज़रूरत है कि हम दिल्ली की जनता को घर घर जाके बताएं कि एक्चुअल में उनके साथ क्या हो रहा है। देखिए, दिल्ली सरकार का वादा था कि वो 12 लाख नौकरियां देगी, पिछले 7 साल में सिर्फ 440 नौकरियां दी गई। और दिल्ली में मौजूदा जो बेरोज़गार दर है वो 8.9 है, जो कि पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया से 7.9% ज़्यादा है। तो कहाँ है नौकरियाँ? यूथ हमारा भटक रहा है, क्राइम की तरफ बढ़ रहा है, अच्छे इतना पढ़े लिखे बच्चों को ढंग की जॉब नहीं मिल रही। जिस तरह मैम आम आदमी पार्टी वादे करती है, हमने पानी बिजली में क्रांतिकारी में बदलाव लाए, हॉस्पिटलों में शिक्षा क्रांति में बदलाव लाए, क्या देखते हैं आप इन 10 सालों में बदलाव देखते हैं? हमारी दिल्ली सरकार ने वादा किया था दिल्ली में कि हम 20 नए हॉस्पिटल खोलेंगे, बिल्कुल एक भी नया हॉस्पिटल आपको दिखा? अभी तक कोई भी नया हॉस्पिटल नहीं खुला, बल्कि जो हमारी प्रधानमंत्री जी की आयुष्मान भारत योजना है, जिससे हर गरीब को 5 लाख का फायदा होने वाला था, उसको भी दिल्ली में लागू नहीं करने दिया गया। फिर दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा कि हम 500 नए स्कूल खोलेंगे, एक भी नया स्कूल नहीं खुला, बल्कि बहुत सारे स्कूल बंद हो गए। 70% दिल्ली के स्कूलों में प्रिंसिपल की पोस्ट खाली हैं। उसके बाद 16,000 से ज़्यादा जो टीचर्स के, अध्यापकों के पद हैं वो अभी तक खाली हैं। तो स्कूलों में और शिक्षा में क्या क्या प्रोग्रेस हुई, क्या मतलब विकास हुआ, ये हमें तो कहीं दिखता नहीं है। कुछ बदलाव नहीं हुआ? कुछ बदलाव नहीं हुआ। अच्छा, ये उपचुनाव है जैसे राजेंद्र नगर विधानसभा, रजेश भाटिया जी वहाँ से प्रत्याशी चुने गए हैं जी, क्या रुझान वहाँ का दिखाई दे रहा है?
हमें तो 200% उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। क्या आपने भागीदारी लिया मैम उस चुनाव में? कोई जी हाँ, जी हाँ, हम कल भी गए थे वहाँ पे। तो हम चाहेंगे कि हमारे राजेश भाटिया जी इस चुनाव को जीतें, ताकि भाजपा का एक नया अध्याय आगे शुरू हो। सुजाता जी, आप एक सोशल वर्कर भी हैं और आप एक राजनीतिक से जुड़ी हुई हैं, क्या क्या सेवा दे रही हैं आप लोगों के लिए? जैसे कि मैं शुरू से ही जैसे भाजपा से जुड़ी हूँ, मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी, मेरा जो मेन चीज़ था वो था सीनियर सिटीजन पेंशन। मैंने जब मैं मंडल में उपाध्यक्ष थी तो अपना 800 से ज़्यादा लोगों की मैंने पेंशन लगाई, और इसके बाद मेरा मेन फोकस जो होता है वो विमेन एनवायरनमेंट पे होता है, कि किसी तरह का अत्याचार हमारे आसपास महिलाओं पे ना हो रहा हो, बच्चों पे ना हो रहा हो, तो इस चीज़ में मैं सबसे ज़्यादा अपना योगदान देती हूँ, और अपने एरिया के सभी लोगों को उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो मुझे किसी भी समय फ़ोन करते हैं, तो मैं हमेशा उनकी सेवा में हाजिर रहती हूँ। कोविड के समय में कोई मदद आपकी? कोविड में हमने 24 घंटे का, हमारी पूरी टीम ने, मंडल की टीम ने, हमने 24 घंटे का लंगर लगा रखा था। किसी, आप मानेंगे नहीं, जितने भी सीनियर सिटीज़न हमारे इलाके में अकेले थे, जिनके बच्चे विदेशों में थे, हमने इस तरह से किया था कि हमने दो दो लोगों को उनको मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी थी कि इनकी, इन बुज़ुर्ग की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, इनकी आपकी है। इस तरह से करके हमने बहुत सारे जो सीनियर सिटीज़न उस समय घर में अकेले थे उनकी पूरी जिम्मेदारी उठाई, और लोगों को फ्री राशन दिया, जहाँ जहाँ दवाइयों की ज़रूरत थी वो पहुँचाई। इस तरह से हमने कोरोना में, हमारा यहाँ की मंडल की टीम एक मिनट भी खाली नहीं बैठी, ना ही हमारे यहाँ का कार्यकर्ता एक मिनट भी खाली बैठा। हम घर के अंदर नहीं बैठे रहे, हमने अपनी सेवाएं दी, जिसको जो ज़रूरत थी हमने उसको कोशिश की कि हम उसको पूरा कर सकें। सुजाता जी, आपके क्षेत्र में ऐसी कोई मेजर समस्या है जिससे जनता यहाँ की कोई समस्याओं से जूझ रही हो, कोई ऐसी समस्या मेजर? हमारे क्षेत्र में जो मेजर समस्या अभी है, क्योंकि यहाँ पे हमारे काउंसलर हमारे अभी नहीं हैं, तो कुछ हमारी रोड्स इतनी अच्छी नहीं हैं, पानी, जल बोर्ड का जो, ये हमारे लोगों की सबसे मेजर समस्या हमारे इस एरिया में आ रही है वो ये है कि यहाँ पे सबके ना एवरेज पे पानी के बिल आ रहे हैं, यहाँ पे उनकी रीडिंग्स नहीं हो रही। तो एक एवरेज सेट बिल क्या आता है कि 60 डेज़ का 42 यूनिट्स, और वो अगला पिछला सब बिल लगा के 2-2.5 हज़ार का, चाहे वो प्रमिसेस बंद है या कुछ है, तब भी बिल आ रहा है, पानी गंदा आ रहा है। इस तरह की समस्याएं हैं। सीवर सिस्टम थोड़ा सा वीक है हमारे यहाँ, आए दिन सीवर बंद हो जाते हैं। तो ये हमारे क्षेत्र की सबसे मेजर समस्या है वो यहाँ की मार्केट, सूट मार्केट की दुकानों की सीलिंग की थी, जो कि हमारी केंद्रीय राज्य मंत्री और संसद आदरणीय मीनाक्षी लेखी जी के नेतृत्व में और उनकी सहायता से काफ़ी हद तक सॉल्व हो रही है, और आगे भी हमें पूरा आश्वासन है इस चीज़ का कि हमारी सांसद इस प्रॉब्लम को ज़रूर, हमारे जो व्यापारी भाई हैं उनको राहत मिलेगी और इस समस्या को दूर किया जाएगा। जिस भी तरह की सहायता मांगते हैं वो हमें मिलती है। कोरोना काल में आदरणीय लेखी जी ने हर तरह की मदद हमें भेजी, जिसको हमने आगे लोगों तक पहुँचाया, तो वो हम हमेशा ही, हमारे सर पे उनका हाथ रहता है और वो जोर जोर से कर रहे हैं। जिस तरह से मैम आप समाज के लिए अपने घर परिवार छोड़ के आप जो लोगों की सेवा दे रही हैं, क्या इस तरह से और भी आप महिलाओं को जागरूक करती हैं? बिल्कुल, हमारे साथ हमारी हमारी अपनी टीम में भी बहुत सारी मेरी जानकार महिलाएँ हैं, और बाकी भी महिलाओं को हम जागरूक करते हैं कि हमें अपने परिवार के साथ साथ अपनी सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए भी कुछ कुछ योगदान, थोड़ा सा समय निकाल के ज़रूर देना चाहिए। तो इस चीज़ के लिए हम महिलाओं को मैं बहुत जागरूक करती हूँ, और उन्हें हमेशा कहती हूँ कि वो अपनी समस्याओं को सुलझाने के साथ साथ अपने एक पड़ोसी की, अगर एक पड़ोसी की भी समस्या सुलझाएं, तो इस तरह से एक नेटवर्क बनता रहेगा जिसके तहत हम पूरे समाज की सेवा कर सकते हैं। अगर एक महिला, दो अपनी महिला बहनों की समस्या सुलझाती हैं, तो इस तरह से एक नेटवर्क बनता है जिससे एक बहुत ही संगठित सोसाइटी बनेगी, जिसमें हम खुद ही अपनी समस्याओं को सुलझाने के काबिल बनेंगे। और एक दर्शकों को ये कुछ छोटा सा कोई मैसेज कुछ देना चाहेंगे? दर्शकों को, दिल्ली के दर्शकों को, तो मैं अभी यही मैसेज देना चाहती हूँ कि वो अपनी आँखें खोलें
और देखें कि दिल्ली वासियों के साथ कैसे क्या हो रहा है। एक जो झूठे वादों पे हमें दिल्ली की जनता को लूटा जा रहा है, हम अपने आसपास देखें कि जो दिल्ली सरकार ने वादे किए गए हैं क्या वो पूरे हुए हैं या पूरे हो रहे हैं। इसके लिए जागरूक होके हम आगामी चुनावों में भाजपा को चुने और सशक्त करें भाजपा को, ताकि हमारा देश भी मजबूत हो, हमारे आसपास की सोसाइटी भी और मजबूत हो। तो यह हमारी सीधी बात सुजाता भाटिया जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।